सीएम गिरफ्तार हो जाते हैं लेकिन अडानी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। माँ बेटा खुद जमानत पर बाहर है और दूसरों को जेल में भेजने की बात करते हैं। जी हाँ, ये दोनों बयान भाजपा और कांग्रेस के बीच ही हैं। दोनों ने एक दूसरे को घेरते हुए कहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयूएन न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ अनुष्का पवार। जैसा आप सभी को पता है, 21 नवंबर 2024 भारत के बड़े बिजनेसमैन में से एक गौतम अडानी के लिए सबसे बुरे दिनों में से एक दिन बन गया है, क्योंकि उस दिन उन पर अमेरिका में एक अरेस्ट वारंट जारी कर दिया जाता है 2236 करोड़ की रिश्वत देने के आरोप में। तो अब इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो जाती है। वार पलटवार का दौर देखने को मिलता है। एक तरफ राहुल गांधी कांग्रेस का नेतृत्व करते हुए पीएम मोदी सहित अडानी ग्रुप पर निशाना साधते हैं, तो वहीं बीजेपी से संबित पात्रा राहुल गांधी और कांग्रेस को घेरते नजर आते हैं। गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका में फर्जीवाड़ा और घूसखोरी के आरोप पर कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कहते नजर आते हैं कि मुख्यमंत्री 10 से 15 करोड़ रुपए के लिए अंदर चले जाते हैं, लेकिन अडानी 2000 करोड़ रुपए का घोटाला करके भी बाहर घूम गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें बचा रहे हैं। कांग्रेस नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये सारी बातें कही थी। उन्होंने यह भी कहा कि पीएम मोदी ने नारा दिया था, भारत में अडानी और मोदी एक है तो सेफ है, हिंदुस्तान में अडानी जी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन बाहर बहुत कुछ बिगाड़ा जा सकता है। राहुल गांधी ने इस बात में बेरोजगारी की भी बात उठाते हुए कहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिलता, महंगाई बढ़ रही है, छोटे से अपराध में लोग जेल चले जाते हैं, लेकिन अडानी कुछ भी कर ले जेल नहीं जाएगी। यह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है बल्कि नेटवर्क है। हालांकि दूसरी तरफ भाजपा प्रवक्ता और सांसद संबित पात्रा ने भी राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा है, आरोप लगाने के बजाय राहुल गांधी को अदालतों का रुख करना चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि कुछ गलत काम हो रहा है तो वह केस दर्ज कराए और अदालत जाए। संबित पात्रा ने नेशनल हेरोल्ड मामले पर भी बात करते हुए कहा, वह और उनकी माँ खुद भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर है, जेल में भेजने की बात क्यों ही कर रहे हैं। संबित पात्रा ने अमेरिकी न्याय विभाग के आरोपों पर भी बात करी। उन्होंने कहा, कंपनी को स्पष्टीकरण देना चाहिए। चार राज्य आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु में अधिकारियों को अनुकूल सौदे हासिल करने के लिए कठिन तौर पर 2111 करोड़ की रिश्वत दी गई थी। अभियोग में उल्लिखित अवधि के दौरान वहां पर गैर भाजपा दलों का शासन था। जब कांग्रेस का उसके सहयोगी छत्तीसगढ़ में तमिलनाडु में सत्ता में थे, तब वाईएसआर कांग्रेस और बीजेडी दो क्षेत्रीय दल जो राष्ट्रीय स्तर पर सट्टा रोड का विपक्षी गठबंधन से संबंध नहीं था। यानी यहाँ पर संबित पात्रा ने कांग्रेस को ही आरोपी ठहरा दिया है कि कांग्रेस की वजह से ही अब अडानी का जो ग्रुप है वो इतना स्कैम कर पाया। अब आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिएगा वीयूएन न्यूज़।